हल है ही नहीं करोना का, समाप्त करने का। देखिए करोना समाप्त नहीं होने वाला, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, करोना नहीं जाने वाला, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लॉकडाउन से उसकी रफ्तार को निश्चित रूप से रोक सकते हैं, लेकिन करोना लॉकडाउन से ख़त्म होगा? बिल्कुल नहीं, पर कम होगा, शर्तियाँ कम होगा। पर अगर हम सतर्क नहीं रहे तो फिर बढ़ जाएगा, जैसा अभी हुआ। देशों में दूसरे स्पाइक के बाद तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम अभी पहले स्पाइक के बाद दूसरे स्पाइक के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को भी अब और जिम्मेदारी से समझ के दैनिक आचरण में अनिवार्यतः उपयोग में लाना ये समय है। कलेक्टर साहब को तय करना पड़ेगा। बात केवल यही आती है कि लोगों को जो परेशानी होगी, और ख़ास करके दैनिक वेतन कमाने वाले जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, उनको जो परिवार चलाने के लिए आर्थिक परेशानी आती है, बस केवल वही सोचने की बात है। नहीं तो एक मिनट का फैसला है। अगर प्रकरण रायपुर में 34.9 है तो उसमें तो सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि बहुत हाई दर है संक्रमण का। और कोई एक दिन रहे तो भी समझ में आता है, लेकिन ये 10 था, 10 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 34 हुआ, 34 से 64 हुआ, हालांकि उस दिन काउंटिंग कम थी, और जब ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो कल ये 34.9 पे है। तो ये बड़ा संक्रमण है, ये बड़ा संक्रमण है। तो उसमें कंटेनमेंट की बात है, लॉकडाउन नाम के लिए है कि लॉकडाउन हो रहा है, कंटेनमेंट है तो लॉकडाउन ही है। अगर आपने एरिया चिन्हांकित कर लिया कि यहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बन जाता है, वो लॉकडाउन ही हो जाता है। पर अगर आप चिन्हांकित नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा प्रकरण सभी तरफ से आ रहे हैं, तब विचार करने के लिए ये बात सामने आ जाती है कि क्या और कड़े कदम उठाएं। सामने बात नवरात्र का समय आ रहा है, रमज़ान का समय आ रहा है, ये ऐसे समय हैं जहाँ बड़ी मात्रा में लोग आना जाना करते हैं मंदिरों के दर्शन के लिए। विशेष धार्मिक स्थलों में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। डोंगरगढ़ हो गया, हम लोग के यहाँ हो गया, दंतेश्वरी का जी का हो गया, कुदरगढ़ का हो गया, उदयपुर में रामगढ़, कई ऐसे स्थल हैं जहाँ नवरात्र के समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं। तो उसके पहले इसको नियंत्रण में अगर नहीं लिया जा सकेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है।